अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा जी, तो आज का सीन कुछ ये है कि अभी मैं जो है चिकन पुलाव बनाने लगी हूँ। और वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में चिकन पुलाव नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम जो है वो बनाने लगी हूँ। यहाँ पे प्याज मैंने वॉश किया, प्याज को कट करने लगी हूँ। चावल मैंने वॉश करके तो इसको भिगो दिए हैं, तो साथ साथ मैं आपको फिर सब दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले तो मैं प्याज की कटिंग करने लगी हूँ। एक रेसिपी देखी है, उसी को फॉलो करते करते ना मैं पुलाव बनाऊँगी। लेट्स सी कैसा बनेगा। वैसे आई होप सो अच्छा ही बन जाएगा, कि कुछ मसालों का तो मुझे आइडिया है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा देचका निकाला है चावलों को बनाने के लिए, और प्याज मेरी कट चुकी है, टमाटर मैंने लिए हैं, और है वो चिकन जो है वो खुलने के लिए रखा हुआ था। इस टाइम तक तो ये खुल ही गया होगा। चलो इसको निकालती हूँ। सबसे पहले मैं ये थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च ली है, वो इसमें डालती हूँ। कैमरा क्यों ब्लर हुआ हुआ है, ये देखिए अब ठीक हुआ। और अब लूँगी लौंग, वो इसमें डालूँगी। दालचीनी लूँगी, वो डालूँगी। साथ साथ एक हाथ से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और एक हाथ से मैं ज़रा चीज़ें निकाल रही हूँ, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा। एक ये डाल दी, इसको आधा करके बस ये डालती हूँ। अब ना यार ये सारा मसाला, ये जितने भी गरम मसाले होते हैं ना, ये सारा इकट्ठे बना हुआ। ये मुझे इसमें से चाहिए लौंग, तो मैं वो निकालती हूँ पहले। अच्छा ये डल गया, इसमें एक बड़ी इलायची, और ये देखिए थोड़ी सी लौंग मैंने ले ली है, वो इसके अंदर ऐड करती हूँ। और तेज़पत्ता मुझे चाहिए, मुझे तेज़पत्ता चाहिए, इधर रखा हुआ होता ये। तेज़पत्ता लेती हूँ, दो ले लेती हूँ, दो तेज पत्ते, एक छोटा सा लिया एक बड़ा लिया। अच्छा अब इसके अंदर जो मैंने प्याज ली थी मैं वो डाल रही हूँ। टमाटर की मैं प्यूरी नहीं बना रही हूँ, टमाटर को बस इसी तरह ना कट करके ना तो उसके अंदर डाल दूंगी। जी ये देखें जी, हमारे टमाटर भी कट चुके हैं। मुझे ना ग्रीन मिर्चों की एक प्यूरी बनानी है, तो मैं मिर्च ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितने मिर्चें हैं, 3, 4, 5 आई गेस, यही इनफ होंगी, 5, 6, एक आधी मैं और लेके आती हूँ। प्याज थी वो मेरी ब्राउन हो गई है, तो अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं इसके अंदर, टमाटर डालूंगी, और ग्रीन मिर्च की जो प्यूरी बनाऊंगी ना वो डालूंगी। तकरीबन 2 और थोड़ा सा 2.5 चम्मच तक इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा तो मैंने अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दिए हैं। ये तो मैंने थोड़ी देर जो है वो पकने के लिए छोड़ा है सालन को, क्योंकि आपको पता है कि चिकन को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने दिनों से गायब हूँ, कोई व्लॉग वगैरह नहीं आया, तो मेरी तबीयत गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन था, और फर्स्ट टाइम इतना स्वेयर पेन हुआ कि 10 डेज से ऑलमोस्ट मैं मेडिसिन ले रही थी, बट मुझे ऐसा था कि मेरे पूरे गले में गिरटियाँ बनी हुई हैं, और
मेरे से अपना थूक भी अंदर नहीं किया जा रहा था, इतनी शदीद पेन थी। बट नाउ आई एम वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए कुछ व्लॉग बनाती हूँ, अपनी डेली रूटीन जो है वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, अगर कुछ मेरे पास करने को नहीं है। इसके अलावा यार जल्दी जल्दी से जो है मुझे सब्सक्राइबर्स दो, ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो। ठीक है, कब से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर आप लोगों को कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से जो है वो व्लॉग लेके आती रहूँ। चलते हैं अब आप लोगों को ना इसकी जो है अपने सालन की ना फाइनल लुक दिखाती हूँ, देखती हूँ कि क्या बन रहा है भाई अंदर। थोड़ा सा ना टेस्ट करके देखती हूँ कि नमक शमक कैसा है, एक तो गला ख़राब है ना, तो यार इतना ना आइडिया भी नहीं हो रहा। नमक फीका है क्योंकि अभी इसके अंदर पानी ऐड होंगे जब चावलों के लिए। नमक फीका है, थोड़ा सा मिर्च भी ऐड करो, थोड़े से मिर्चें भी फीकी फीकी लग रही हैं। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए और पानी डाल दिया, अब चावल जो है वो इसी के अंदर जो है वो बन जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी मेरा गर्म में गर्म सा पुलाव जो है वो रेडी है, आप इसके लुक देख सकते हैं। गाइस तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ, आज की मेरी रूटीन सारी बस इसी तरह से थी, मैंने आप लोगों को दिखाई है। और आज कोई भी घर में नहीं है, वहाँ सिर्फ ऑफिस है, मामा भी कहीं गई हैं, बाकी सभी अपने अपने ऑन ड्यूटीज़ पे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे से जो है मैं भी अपनी एक ड्यूटी पर आऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। कल हम लोगों की फिर एक दावत है, तो उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यार मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती जाए। और मेरे लिए दुआ करना मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँ और वैसे ही एक्टिव हो के तो अपने ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।